तो दोस्तों, अगर आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप यूज करते हैं तो आपने कभी ना कभी विंडोज 7 प्रोफेशनल और विंडोज 7 अल्टीमेट के बारे में जरूर सुना होगा, और सुना ही नहीं हो सके आप उसे यूज भी करते होंगे अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में। लेकिन दोस्तों, आपको मैंने कभी ना कभी कंफ्यूजन भी आया होगा कि आखिर विंडोज 7 प्रोफेशनल में और विंडोज 7 अल्टीमेट में आखिर डिफरेंसेस क्या है। तो दोनों माइक्रोसॉफ्ट की बनाई हुई वर्जन, लेकिन इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि विंडोज 7 प्रोफेशनल में और विंडोज 7 अल्टीमेट में डिफरेंसेस क्या है, और इन दोनों में से कौन सा आपके लिए बेस्ट पड़ेगा, आप किसे अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में इंस्टॉल करें। तो दोस्तों, मेरा नाम है अरमान और आप देख रहे हैं टेक्निकल बातें चैनल। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, बात करते हैं पहले डिफरेंस के बारे में, जो कि बहुत बड़ा डिफरेंस है। दोस्तों, आपने बूटवेल फाइल के बारे में जरूर सुना होगा, आपको पता भी होगा बूटवेल फाइल। तो दोस्तों, उसी बूटवेल फाइल को विंडोज 7 प्रोफेशनल बिना किसी सॉफ्टवेयर के ओपन नहीं कर सकता, लेकिन उसी बूटवेल फाइल को विंडोज 7 अल्टीमेट बिना किसी सॉफ्टवेयर के ओपन कर लेगा, और उसमें कुछ भी कहीं भी ट्रांसफर कर सकता है, अपने पेन ड्राइव वगैरह कहीं भी। इस फीचर का नाम है VHD, यानी कि वर्चुअल हार्ड डिस्क। तो दोस्तों, बात करते हैं दूसरे डिफरेंस के बारे में, जो कि है ऐप लॉकर। दोस्तों, विंडोज 7 प्रोफेशनल में आपको ऐप लॉकर नहीं मिलता, लेकिन विंडोज 7 अल्टीमेट में आपको ऐप लॉकर दिया जाता है। अभी जान लीजिए ऐप लॉकर क्या काम करता है। तो दोस्तों, ये फोन की तरह नहीं है, फोन से बिल्कुल अलग है। दोस्तों, फोन में क्या होता है, अगर आप ऐप लॉकर लगा दोगे तो सॉफ्टवेयर को जब आप रन करोगे जिसमें आप ऐप लॉकर लगाए हो, तो आपको पासवर्ड मांगेगा। लेकिन विंडोज में ऐसा नहीं है। विंडोज में अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को ऐप लॉकर लगा देते हो, ऐप लॉकर यूज करते हो बिना किसी सॉफ्टवेयर पर, तो दोस्तों वो सॉफ्टवेयर रन ही नहीं होगा, वो ब्लॉक हो जाएगा पूरी तरह। आप कितनी बार भी उसको रन करेंगे, वो सॉफ्टवेयर रन ही नहीं होगा। तो ये है ऐप लॉकर काम, जो कि विंडोज 7 प्रोफेशनल आपको नहीं मिलता, लेकिन विंडोज 7 अल्टीमेट में ये फीचर आपको मिलता है। तो दोस्तों, बात करते हैं तीसरे डिफरेंस के बारे में। दोस्तों, आपने साइबर कैफे तो देखा ही होगा, आपके एरिया में भी आपको साइबर कैफे मिल जाएगा। दोस्तों, उसमें होता क्या है, आप देखोगे एक जगह से इंटरनेट कनेक्शन आपको मिल रहा होता है वाईफाई से, और उससे एक मेन सीपीयू होता है जो कनेक्टेड होता है, और उसी सीपीयू से बाकी सारे सीपीयू कनेक्टेड होते हैं, जिसपे जाके आप काम करते हो, जिसपे सारे लड़के बैठ के काम करते हैं, आप देखते होंगे। तो दोस्तों, वही फीचर आपको विंडोज 7 प्रोफेशनल में आपको वो फीचर नहीं मिलेगा, लेकिन विंडोज 7 अल्टीमेट में वो फीचर आपको मिल जाता है वो फीचर। और दोस्तों, उस फीचर का नाम है वर्चुअल डेस्कटॉप इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, बात करते हैं चौथे डिफरेंस के बारे में, जो कि है इंक्रिप्शन टाइप। दोस्तों, विंडोज 7 प्रोफेशनल में आपको फाइल बेस्ड इंक्रिप्शन मिलती है, लेकिन विंडोज 7 अल्टीमेट में आपको मिलता है बिट लॉकर। बिट लॉकर आपको पूरी एंटायर ड्राइव को लॉक कर देगी, लेकिन विंडोज 7 प्रोफेशनल आपको मिलता है फाइल बेस्ड इंक्रिप्शन, जो कि फाइल को आपको एक एक करके लॉक करना पड़ेगा। चाहे भले से आपको पूरी पेन ड्राइव ही क्यों नहीं लॉक करनी हो, या कोई सी भी ड्राइव, आप एक ही बार में पूरी को नहीं कर सकते, आपको एक एक करके करना पड़ेगा। लेकिन विंडोज 7 अल्टीमेट में आपको मिलता है बिट लॉकर, जिससे कि आप किसी भी ड्राइव को, भले से आपकी पेन ड्राइव हो या कोई से भी ड्राइव हो, उसे आप डायरेक्टली लॉक कर सकते हो। यानी कि अगर आप ड्राइव लॉक करोगे तो आपकी पूरी फाइल लॉक हो जाएगी। ये फीचर आपको विंडोज 7 अल्टीमेट मिलता है, ये फीचर आपको विंडोज 7 प्रोफेशनल में नहीं मिलता है। तो दोस्तों, बात करते हैं आखिरी डिफरेंस के बारे में। दोस्तों, डिफरेंसेस तो बहुत है, लेकिन मैं बस इतना ही रखता हूँ। दोस्तों, विंडोज 7 प्रोफेशनल में आपको कुछ ही गिनी चुनी लैंग्वेज मिलेगी, जिसमें कि आप स्विच कर सकते हो, लेकिन विंडोज 7 अल्टीमेट में आपको मिलती है 35 लैंग्वेजेस, जिसमें कि आप स्विच कर सकते हो, आपको 35 में से जो ही पसंद है। तो वही विंडोज 7 प्रोफेशनल आपको कुछ ही गिनी चुनी लैंग्वेज मिलती है, लेकिन विंडोज 7 अल्टीमेट में आपको 35 लैंग्वेजेस मिल जाती है। तो दोस्तों, बात करते हैं अब इन दोनों में से बेस्ट कौन सा आपके लिए पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने आपको पांच कुछ डिफरेंसेस बताए हैं, पांच बताए हैं, लेकिन इन पांचों में से अगर आपको एक भी पसंद आए तो आप विंडोज 7 अल्टीमेट की तरफ जा सकते हो। लेकिन पांचों में से अगर आपको कोई सा भी नहीं पसंद आया, मतलब आप इसमें कोई काम ही नहीं आपको पांचों में से, तो आप विंडोज 7 प्रोफेशनल में रह सकते हो। लेकिन मेरा ओपिनियन आप जान लीजिए, मेरे ओपिनियन में विंडोज 7 अल्टीमेट विंडोज 7 का सबसे बेस्ट वर्जन है, आपको इसे यूज करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और साथ ही उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई से भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्तों, अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक यूज़ करते हो तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो, मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन आपको दे दूंगा।